अब गर्मी का मौसम हो और ऐसे में आइसक्रीम खाई ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर किसी का मन करता है आइसक्रीम खाने का। अब इसको बार बार मार्केट से जाकर लाना भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता और कभी कभी मनी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और लेकिन घर में बनाना तो इसको बहुत ज़्यादा आसान होता है अगर व्हिपिंग क्रीम मिल जाए तो। लेकिन व्हिपिंग क्रीम हर जगह अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर भी जो व्हिपिंग क्रीम है वो नहीं मिल पाती। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिना कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लावर, बिना किसी कंडेंस मिल्क के, बिना किसी अंडे के और बिना किसी व्हिपिंग क्रीम के बहुत ही टेस्टी और सबकी फेवरेट वनीला आइसक्रीम। इसको हम बनाएंगे बिना किसी इलेक्ट्रिक बीटर से, बिल्कुल नई तरीके के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो वीडियो को फुल वॉच करना दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक बार इसको बनाकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की इस गर्मी स्पेशल रेसिपी को। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा, बेस्ट जायका विद सिमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो घर पर वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक भारी तले की कढ़ाई, जिसको हम रख लेंगे गैस पर, और इसको हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। और इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप भरकर दूध। तो मैं यहाँ पर फुल फैट दूध ले रही हूँ, और इसको मैंने लिया है मलाई के साथ। जो दूध गर्म करने के बाद मलाई आ जाती है ना, उसी को हम ले लेंगे। लेकिन अगर आप जो गाय का दूध होता है उसको ले रही हैं, तो आप एक काम करें कि उसमें पानी का बिल्कुल भी यूज ना करें, बिना पानी के ही दूध को यूज करें, क्योंकि जितना इस दूध के अंदर फैट की मात्रा होगी उतनी ही अच्छी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। तो 2 कप हमने यहाँ पर दूध ले लिए हैं। अगर मैं आपको ग्राम में बताऊं तो 500 ग्राम यानी आधा किलो ये दूध है जिसको हमने लिया है। तो दूध को हमें थोड़ा सा गर्म कर लेना है। दूध को गर्म करने से पहले इस दूध में से हमने लगभग 4 चम्मच दूध की अलग से निकाल ली है, क्योंकि इसका हमें बाद में यूज करना है। दूध को गर्म करने से पहले ही दूध को निकालना है, गर्म दूध का बाद में यूज नहीं करना है। तो गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इस दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे, ताकि जो मलाई है वो अच्छे से घुल जाए, और इसमें एक बढ़िया सा उबाल आने देंगे। तो जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम अपना आगे का काम कर लेते हैं। अब हमने लिया है एक छोटा सा बर्तन, इसके अंदर हम डालेंगे, ये हमने लिया है कस्टर्ड पाउडर। तो मैं वनीला वाला यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं वनीला आइसक्रीम बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी फ्लेवर का यूज कर सकती हैं। तो इस बर्तन के अंदर हमें क्या करना है, लगभग 4 चम्मच ये जो कस्टर्ड पाउडर हमने लिया है ना, इसकी हमें डाल देनी है। ये जो चाय वाली चम्मच होती है ना, जिससे हम दिन में खाना खाते हैं घर पर, उसी को हमने यूज करना है, और इसकी 4 चम्मच भरकर हमें इसके अंदर डाल देनी है। तो कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद अब हमें इसमें डालना है 4 चम्मच भरकर मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसको आप यूज कर सकती हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मार्केट में कई तरीके के आते हैं। तो मैं यहाँ पर डेरी वाइटनर का यूज कर रही हूँ। मिल्क पाउडर डालने से ना जो हमारा आइसक्रीम है उसकी रिचनेस बढ़ जाएगी। जो मिल्क पाउडर होता है वो जो दूध के अंदर थोड़ी बहुत पानी की मात्रा होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको गाढ़ापन देता है। अब इसके अंदर हमने जो ये दूध अलग से निकाला था ना 4 चम्मच, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे, और इसको एक पेस्ट सा बनाकर इसका हमें तैयार करना है बिल्कुल लम्स ख़त्म होने तक। इसलिए मैं कह रही थी कि हमें ठंडे दूध का यूज करना है, इसके लिए गर्म दूध का यूज ना करें, क्योंकि गर्म दूध में ना जो कस्टर्ड पाउडर होता है और मिल्क पाउडर होता है ना, उसके लम्स बन जाते हैं, उनको ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ठंडे दूध का ही हमें यूज करना है। और ये लीजिए, हमारा जो मिक्स है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब हम अपने दूध को देख लेते हैं। और ये देखिए, इधर हमारे दूध में भी बहुत अच्छा उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, क्योंकि आइसक्रीम को मीठा करना है। तो इसके लिए इसी कप से नाप कर हमने ली है 1/3 कप चीनी, यानी कि जो 1 कप होता है ना उससे थोड़ा सा कम हमने चीनी का यूज किया है। चीनी की मात्रा को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो चीनी की मात्रा को बढ़ा सकती हैं। लेकिन हमने इसमें मिल्क पाउडर का भी यूज किया है, तो इतनी जो चीनी हम यूज कर रहे हैं वो सफिशियंट है। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब तक कि चीनी अच्छे से घुल जाए तब तक इसको पकाएंगे। और ये देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट हमने दूध को और पका लिया है, जो चीनी है वो अच्छे से घुल चुकी है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और ये जो हमने कस्टर्ड वाला मिक्स बनाया था इसको पहले नीचे से चला लेंगे अच्छे से, और फिर इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हमें इसको लगातार चलाते रहना है, हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। हाथ को रोक देंगे तो ये नीचे से लग जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है ये दूध गाढ़ा होने लगा है। तो इसको बस लो फ्लेम पर हमें 2 से 3 मिनट और पकाना है।
हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे और गैस की फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। लो फ्लेम पर ही हमें इसको लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इसका कच्चापन पूरे तरीके से निकल जाए। और ये देखिए 2-3 मिनट हमने इसको पका लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बस इतना ही हमें इसको पकाना है। जो हमारा स्पैचुला है उसकी इस पर बहुत अच्छे तरीके से कोटिंग हो रही है, इसका मतलब हमारा जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। कस्टर्ड को ठंडा करने के बाद हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि ये पूरे तरीके से चिल्ड हो जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमें आगे क्या करना है। तो कस्टर्ड को हमने फ्रिज से निकाल लिया है, ये पूरे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और ये जो कस्टर्ड हमने ठंडा कर रखा था इसको हम इस जार के अंदर डाल देंगे। अब इसी के साथ में हम डालेंगे, ये मैंने ली है 1/3 कप अमूल की फ्रेश क्रीम, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम तो हमारे यहाँ पर मिलती नहीं है तो इसी से आज हम इस आइसक्रीम को बनाएंगे। लेकिन अगर ये भी आपके पास ना हो तो इसकी जगह पर आप इतना ही जो घर में दूध की मलाई होती है 1 या 2 दिन की मलाई ले लें, इससे ज़्यादा दिन की ना लें, उसका आप यूज कर सकती हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब वनीला एसेंस, लेकिन अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकती हैं क्योंकि हमने वनीला का कस्टर्ड पाउडर तो यूज किया ही है, उससे इस आइसक्रीम में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अगर आपके पास हो तो इसको डालें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। अब इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको अच्छे से चला लिया है तो जो हमारा आइसक्रीम वाला मिक्स है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लेंगे एक कंटेनर जिसके अंदर हमें इस आइसक्रीम को जमाना है, तो इसके अंदर हम ये सारा मिक्स डाल देंगे। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे और इसको 2 घंटे के लिए हमें फ्रीजर में रख देना है ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। पूरे तरीके से नहीं जमाएंगे, बस 2 घंटे के लिए हमें फ्रीज में रखना है। आगे मैं बताऊंगी हमें क्या करना। और 2 घंटे बाद हमने इसको फ्रीज से निकाल लिया है। चलिए इसको खोलकर चेक करते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ी थोड़ी जम चुकी है, पूरे तरीके से नहीं जमी है क्योंकि केवल हमने इसको 2 घंटे ही फ्रीज में रखा था। तो इसको अच्छे से निकाल लेंगे और वापस से उसी जार के अंदर हमें इसको डाल देना है और इसका ढक्कन लगाना है और एक बार और इसको हमें अच्छे से चला लेना है। ऐसा करने से जो हमारी आइसक्रीम है बिल्कुल फ्लफी बनेगी, एकदम मार्केट के जैसे। अब इस सारे मिक्स को हम वापस से कंटेनर के अंदर डाल देंगे जिसमें हमें आइसक्रीम को जमाना है, इस तरीके से। कंटेनर में डालने के बाद इसके ऊपर हम कोई पॉलीथीन रैप लगा देंगे ताकि इसके अंदर आइस के क्रिस्टल बिल्कुल भी ना जमे। अब इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको वापस से हम रख देंगे फ्रीजर के अंदर 6 से 7 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए इसको फ्रीजर में छोड़ दें। और ये देखिए ओवरनाइट फ्रीजर में रखने के बाद हमने इसको बाहर निकाल लिया है। चलिए मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। ये देखिए जो हमारी आइसक्रीम है वो अच्छे से जम चुकी है, जो हमने पॉलीथीन लगाई थी उसको हम हटा देंगे। ये देखिए वाओ, और जिसमें इसके अंदर जो आप ये बबल्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि जो हमारी आइसक्रीम है बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसको निकाल लेते हैं। कोई आइसक्रीम स्कूप ले लेंगे या फिर आप इसको चम्मच से भी या स्पैचुला से निकाल सकते हैं। इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है, वाओ। यकीन मानिए बनाने में बेहद आसान है और जितनी ये बनाने में आसान है खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाने का झंझट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके से मैंने आपको बताई है आप इस तरीके से इस आइसक्रीम को बना सकती हैं। आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकती है, मैं इसको थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालकर सर्व करूँगी क्योंकि टूटी फ्रूटी बच्चों को बहुत पसंद आती है। आपके पास हो तो इसको डालें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो हमारी आइसक्रीम बिल्कुल बनकर तैयार है, कम सामान के साथ, बहुत ही कम मेहनत के साथ, बिल्कुल मार्केट जैसी वनीला आइसक्रीम, बिल्कुल मुंह में घुलने वाली। तो आप इसको बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों रेसिपी बनाने के बाद अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।